आज मैं बहुत देर से उठी थी तो आज हम लोग बना रहे आटे का चीला। तो यहाँ पे मैंने चीनी डाल दिया है आटे में, एक कप आटा है यहाँ पे, और नमक डाल रही हूँ मैं। अभी इसको मैं पानी में घोल लूँगी। इसको पैनकेक भी बोला जा सकता है। तो पैनकेक का मैंने पहले अपना जो है रेसिपी दिखा चुकी हूँ, अगर नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा वहाँ से। और अभी मैं इसको इसका बैटर बना लूँगी, और ये बैटर बन गया है। 10 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी और 10 मिनट के बाद मैं आ रही हूँ। तो 10 मिनट हो गया है, ये मेरा बैटर भी तैयार है। और अभी मैं बैठ गई हूँ, और सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा आज धूप है। और फाइनली गैस भी आ गया है, सिलेंडर ख़त्म हो गया था इतने दिन से, तो मैं कोई भी रेसिपी आपको नहीं दिखाई हूँ, और आज आया है फाइनली सिलेंडर। तो आज हम कुछ बना के दिखाऊंगी मैं। और ये मैं बैटर को ले लूँगी, थोड़ा सा तेल दिया मैंने पैन में, और अभी मैं इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके पका लूँगी, एक एक करके। और मैं इसका एक बात बोल दूँ, मैं ये पका तो चुकी थी लेकिन मैं इसको आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि दिखाने से पहले सब खा चुके थे। मैंने इसको आधा बनाया, उसके बाद मैं दूसरे काम में चली गई थी, तो मेरी मम्मी ने बनाया है। और ये एक साइड से हो गया है, अभी दोनों साइड से पका लेंगे। और ये मैं इसमें रखूँगी। तो आज मैंने घर बैठे मैनीक्योर भी किया है, वो भी दिखाऊंगी मैं। तो ये पैनकेक बनाने के बाद ही मैं गई अपना जो है मैनीक्योर करने, और मैंने कल कोई वीडियो शूट नहीं किया था, तो आज मैं जल्द से जल्द ये कर लूँगी। उसके बाद मैं आज ही इसको लगा दूँगी एडिटिंग में, और शायद आज ही मैं डालूँगी इसको, क्योंकि आज कोई वीडियो नहीं है मेरे पास, तो इसीलिए मुझे झटपट से दो ही चीज़ मैं दिखा पा रही हूँ आज। तो ये दोनों साइड से लगभग हो गया है, ऐसे करके मैं दोनों को सबको पका लूँगी। सबको नहीं पकाऊँगी, थोड़ा सा, क्योंकि मैं बाहर गई थी। ये देखिए एक पक गया है, ये मैं दूसरे वाले को कर रही हूँ, और दूसरे वाले को भी मैं इसे ही बना लूँगी, और फिर देखती हूँ क्या करती हूँ मैं। मेरी मम्मी भी यहाँ कुछ कर रही है, और मेरा गला पता नहीं क्यों थोड़ा बैठा बैठा है। और अभी ये भी एक साइड से शायद पक गया है, मैं उलट दूँगी इसको। तो ये भी लगभग हो गया है, मैं अभी चली जाऊँगी। तो मैं अभी जा रही हूँ, ये देखिए मैं मैनीक्योर करने बैठ गई हूँ। ये मैं गमले में गुनगुना पानी ली हूँ, और ये एक लेमन का टुकड़ा ली हूँ मैं, और ये देखिए इसका मैंने रस यहाँ पे गिरा दिया है, और ये है नमक, और ये एक हाथ में एक चम्मच बेकिंग सोडा है। तो अभी मैं इसको घोल लूँगी, और ये मैंने शीशे में जो एक पैकेट वाला पैकेट होता है वो वाला क्लिनिक प्लस का शैम्पू लिया है, क्योंकि मैनीक्योर के लिए ये बेस्ट होता है, क्योंकि ये क्लीन करता है, तो मैंने ये लिया है। और इसको मैं पूरा डाल दूँगी, मैंने दो चाहिए मुझे यहाँ पे, तो एक मैंने यहाँ पे डाल दिया है। और अभी मैं इसको मेरे हाथों को इसमें डुबाऊँगी, ये देखिए इसको मैं घोल लूँगी पहले। और बड़ा अच्छा मैनीक्योर हुआ था, मेरे हाथ का हालत देखिए कितना गंदा है, येलो कलर हो गया है मेरे ये वाले नाखून। तो मैंने सोचा आज मैनीक्योर करती हूँ तो मैं सबको दिखाई देती हूँ कैसे करती हूँ मैं घर पे। और ये मैं दोनों हाथों को भिगा रही हूँ, और अभी इसमें मॉइस्चरर लगा लूँगी। मॉइस्चराइजेशन लगाना बहुत मस्ट है, क्योंकि इससे हमारा हाथ सॉफ्ट होगा, और गंदगी जो है नाखूनों से निकल भी जाएगा। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। बेसिक जो मैनीक्योर होता है वो मैं घर पे करती हूँ, क्योंकि बाहर जाके करने का मेरा उतना क्या बोलूँ पैसा नहीं है मेरे पास। तो मैं अभी इसको डुबा दूँगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि मैं कुछ कमाती नहीं हूँ, तो मैं कहाँ से जाऊँगी पार्लर
करने मैनीक्योर, और घर बैठे बहुत अच्छा हो जाता है मेरा, तो मुझे उसका गम नहीं है। और ये फिलर है, ये जो नाखून काटने वाला मशीन होता है वहीं पे ये मिलता है सेट, जब ले तो देख ले आपके पास ये वाला ऑप्शन है कि नहीं फिलर वाला, तो इससे मैं साफ भी कर लूँगी फिलर भी कर लूँगी। और हाँ, नेल मैंने पहले ही कट कर लिया था और नेल पॉलिश भी रिमूव कर लिया था, वो मैंने सूट नहीं कर पाई मैं, क्योंकि मैंने सोचा नहीं था कि मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन मुझे लगा कि मैं दिखा देती हूँ, तो इसीलिए मैंने कर लिया था पहले ही। तो अभी मैं ये वाला दिखा रही हूँ। अभी मेरे पास ये बड़ा ब्रश है जो पेडिक्योर के लिए, उससे मैं आज मैनीक्योर करूँगी। तो इसमें मैंने और शैम्पू एक लगा लिया है, और इसको मैं अभी अच्छी तरीके से घस लूँगी, अपने हाथों को साफ कर लूँगी, कितना गंदा हुआ है देखिए। और मैनीक्योर करने के बाद बहुत अच्छा चमक रहा था मेरे लिए, पता नहीं कैमरे में दिखा कि नहीं यार, ऐसा लगा कि नहीं आप लोगों को, लेकिन हाँ हुआ था मैनीक्योर, अच्छा ही हुआ था। तो ये मैं देखिए कितने अच्छे से साफ कर रही हूँ, नाखूनों को घस घस के करना पड़ेगा। और ये पेडिक्योर वाला ब्रश है, मुझे छोटा ब्रश लेना चाहिए था शायद, लेकिन मैं इससे ही करती हूँ, तो मैंने इससे ही आपको दिखा दिया है। और मॉइस्चराइज़र जो है निविया का लिया था मैंने, आपके पास कोई भी मॉइस्चराइज़र हो आप उससे करिए, और साफ भी हुआ है अच्छी तरीके से। और इसको मैं अभी ब्रश कर रख दूँगी, और इसको मैं अभी 2 मिनट के लिए भिगो के रखूँगी अपने हाथों को, क्योंकि इससे साफ हो जाएगा। और ये मेरा हो गया है 2 मिनट, तो मैं अभी इसको दिखाऊंगी आपको, देखिए। और अभी मैं इसको लेमन की मदद से पूरा घस लूँगी मेरे जो नेल्स को, इसका अभी थोड़ा हम लोग कचुम्बर बनाएंगे लेमन का कट करके, इसका रस निकालने के लिए। और ये मैं मेरे नाखूनों में और पूरे इधर स्क्रबिंग कह सकते हैं, नहीं बोला जा सकता, बोल भी सकते हैं। और मैंने यहाँ पे कोई पैक नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने अचानक किया है, तो मैंने सोचा नहीं था आप लोगों को दिखाऊंगी, तो मैंने कोई पैक भी नहीं बनाया है अपने हैंड्स के लिए। तो पैक मैं कभी और दिखा दूंगी, ये हैंड्स का पैक। तो फेस पैक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, तो मैंने फेसियल मेरा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा। और इसको देखिए मेरा अभी हो गया लेमन घिसना, तो मैं अभी इसको धो के आऊँगी 2 मिनट डुबोने के बाद। तो मैं जाती हूँ, देखती हूँ क्या करती हूँ, अभी 10 मिनट मैं धोने जा रही हूँ। और ये मैं धो के आ गई हूँ, तो अभी मैं मॉइस्चर लगा लूँगी, क्योंकि लेमन हमारे स्किन में बहुत रब कर देता है, ड्राई कर देता है। तो मैं अभी ये मेरे हैंड्स पे मॉइस्चराइज़र लगा लूँगी, वही वाला निविया वाला, तो मैं लगा लेती हूँ। तो ये देखिए मैं लगा लेती हूँ पहले, फिर बहुत साफ अच्छी तरीके से लगाना पड़ेगा, क्योंकि लेमन से पूरा ड्राई हो गया है मेरा हाथ, तो मैंने लगा लिया है। और अभी जो है मैं नेल पेंट लगा लूँगी, और हाँ नेल पेंट मेरे पास अभी एक ही है, लॉकडाउन की वजह से कहीं जिग्या जाया नहीं जा रहा है, ये तो मेरी मम्मी लाई थी, तो इसी को मैंने लगा लिया है। देखिए सस्ती वाली है नेल पेंट, लेकिन अच्छी लग रही है। गाइस गुड मॉर्निंग, तो आप लोगों ने देखा मैंने कम खर्च में कैसे आज अपना मैनीक्योर किया। अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, कम से कम चीज़ों से कम खर्च में किया है मैंने ये वाला मैनीक्योर, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और मेरे जो मैनीक्योर हुआ है वो भी बहुत अच्छा हुआ है, देखिए अच्छा लग रहा है, मेरे जो हाथों पे ये पीला पीला पड़ गया था अभी, कितना अच्छा लग रहा है देखिए, अच्छा लग रहा है। तो आप भी ऐसे करिए, लॉकडाउन में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं मिल रही है, तो ऐसे ही किया जा सकता है घर बैठे। तो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। ओके बाय।